नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। जैसा कि आपको पता है, 6 मार्च को महंगाई के मसलों को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जींद में प्रदर्शन करेगी। उसे से संबंधित जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी है उसके सदस्य है कविंद सुभाष तिवारी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। बताओ क्या प्रोग्राम है 6 तारीख का? कहाँ पर प्रोग्राम ये है 6 तारीख को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जो महंगाई जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आई है, ये लगातार आम जनता की कचुम्बर काटने के सिवा कोई इसके पास राहत की कोई योजना नहीं है। अभी तत्काल में गैस का सिलेंडर है, ये आपका डीजल है, पेट्रोल है, दवाई है, जो रोज़मर्रा के रसोई में हमारे चीज़ लगते हैं, इसके साथ साथ दाल, चीनी, चावल, चाय पत्ती, कपड़ा, कापी, पेंशन, इन सब चीज़ों पे रेट 20 से लेके 50% रेट बढ़ गए। इस हालात में गरीब आदमी लॉकडाउन के अंदर वैसे काफ़ी तबाही हो रहा था, काफ़ी टूटा पड़ा था, कोई 8 महीने तक कोई काम धंधा नहीं, कोई दिहाड़ी नहीं, उसके बाद ये महंगाई का मार। इसलिए इन बातों पर सभी जनता से मेरे पार्टी की तरफ से अपील है आप लोगों से कि 6 तारीख को नेहरू पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस प्रदर्शन में भाग लें। आई से मोदी सरकार को, करूर सरकार को इस पर इसको जवाब दें, और साथ साथ किसान आंदोलन को भी हमारी पार्टी समर्थन करती है कि ये जो तीनों काले कानून हैं इसको रद्द किया जाए, और ख़ास करके जो श्रम सुधार के नाम पे मजदूरों की जो 12-12 घंटे की ड्यूटी की गई है, 8 घंटे की ड्यूटी हटा करके 12 कर दी, लेबर लॉ का उल्लंघन किया है, इसको भी सरकार वापिस ले। आज जनता से अपील है कि ये जो 6 तारीख को प्रदर्शन है CPM का, इसमें आम आदमी से भी, आम जनमानस से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ के प्रदर्शन को सफल बनाए। रेलवे को भी चलाया नहीं जा रहा है, और जो भी रेलवे की रेलगाड़ी चली है उनका किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया, इस पर क्या कहोगे? ये रेल अडानी और अंबानी को बेचने की योजना है। हमें तो उसी दिन वामपंथी लोगों को आशंका हुई, जिसने रेल का बजट अलग से हटा करके वित्तीय बजट के साथ किया, इसी दिन डर था कि रेल का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। इसके 4-5 मित्र हैं, उनको ये रेल बेचना है, रेल की जमीन बेचनी है, सबके बड़ी संपत्ति है। इसने आज तक आने के बाद कुछ भी अर्जित नहीं किया है नरेंद्र मोदी ने, आने के बाद लगातार पब्लिक सेक्टर की, जनता की गाड़ी कमाई को से खड़े किए गए इमारतों को, चाहे वो भेल है, बालको है, बैंकों का है, रेल का है, सबका निजीकरण धुमाधार कर रही है। इसलिए बेरोजगारी इतनी भारी पैमाने पर सिर उठा रही है, बच्चे पढ़ करके दर दर के ठोकर खा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। ये सरकार बड़े लोगों को बड़े पूंजी खातर देश को बेचने के लिए इस मामलों को लेकर के भी मेरी पार्टी लगातार सड़कों पे है, और आगे भी ये निजीकरण, उदारीकरण के और विश्वीकरण के नाम पे देश को बेचने के खिलाफ जंग में रहेगी। आप लोगों से अपील है इसका डट के विरोध करें।